कोरोना वायरस ने अब भीलवाड़ा की तरह ही अजमेर में भी अपने पैर पसार दिए हैं। इसके बाद अजमेर में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। शनिवार की अगर बात की जाए तो क्लॉक टावर थाना क्षेत्र निवासी युवक मोहम्मद फैजल खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद आज उसी की बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। वहीं अब अजमेर में एक ही परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रशासन ने भी अब सभी टीमों को इस क्षेत्र में स्क्रीनिंग के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता नितिन मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी, अजमेर में भी कोरोना संदिग्ध पाया गया और उसके साथ में उसकी जो पॉजिटिव पाया गया, माफ कीजिएगा, उसके साथ में कहा जा रहा है कि जो उसकी उसी की बहन है वो भी संदिग्ध पाई गई है। अभी तक इससे ये वाला क्षेत्र अछूता था कोरोना के प्रकोप से, लेकिन अब इसी के साथ में यहाँ पर लोगों को इस चीज की चिंता सताने लगी है। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत खराब चल रहा है अभी यहाँ पर जी। पूरी एरिया तो 1 किलोमीटर एरिया में पूरा सीज किया गया है जी। और बताया जा रहा 22 मार्च तो अजमेर आया था पंजाब से जी जी। उसके बाद 3 जने परीक्षण हुए थे और आज उसी बैंक की रिपोर्ट आई, वो भी पॉजिटिव पाई गई जी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें, अजमेर में भी कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी बहन को भी अब संदिग्ध मानकर उसको भी आइसोलेट कर दिया गया है।